कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। यहां भी राहुल बस टी शर्ट पहनकर पदयात्रा करते नजर आए। यात्रा में राहुल के साथ लोगों का हुजूम दिखा। राहुल का काफिला इंडिया गेट से भी होकर गुजरेगा। दिल्ली के 7 संसदीय क्षेत्रों में अलग अलग पड़ाव होंगे। यात्रा में पार्टी के आला नेताओं के साथ सभी वर्ग और समुदाय के लोग और पार्टी के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल पर भी जाएंगे। हालांकि इसी बीच राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुलाकात ने हर किसी को भावुक कर दिया। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी शनिवार को दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और थोड़ी दूर तक राहुल गांधी के साथ चली। इस दौरान मां सोनिया गांधी ने बेटे राहुल गांधी को गले लगाकर खूब प्यार किया। बेटे के साथ सोनिया गांधी के भावुक पलों की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये दूसरी बार है जब पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कन्याकुमारी से सितंबर में शुरू हुई इस पद यात्रा में हिस्सा लिया। वे इससे पहले अक्टूबर में कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। राहुल ने भी मां संग फोटो शेयर करते हुए ट्वीट किया, जो मोहब्बत इनसे मिली है वही अब देश में बांट रहा हूं। इस यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। यात्रा से पहले राहुल और प्रियंका ने राम दरबार मंदिर में हाजिरी लगाई। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में प्रवेश करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि कुछ लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन देश का आम आदमी अब प्यार की बात कर रहा है। हर राज्य में लाखों लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। यात्रा में राहुल ने लोगों से मिल रहे जन समर्थन को लेकर भी हुंकार भरी। बहरहाल राहुल को यात्रा में मिल रहा ये जन समर्थन आगामी राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना वोट में तब्दील हो पाता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन माँ बेटे के इस प्यार पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।